फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केम। इस वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं वो सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, सो वो देख लेते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको एर्गन प्लेन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये है ओएक्स एंड ओवाई, ये क्या है, एक्सेस है, सिंपली एक्स एंड वाई एक्सेस है। ओके, यहाँ पे जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया है, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वाई एक्सेस पे। ओके, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड उसका जनरल फॉर्म ये है। नाउ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अभी यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, सो यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। यहाँ पे आए है, यहाँ पे आए। ओके, अभी आर कॉमन है एंड अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, इसको भी दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ फ्रॉम 2 एंड 3 y by x, यानी 3 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, सो y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 किया है, सो y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू r, r कैंसिल हो जाएगा एंड साइन बाय कॉस। अभी साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ओके, थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स। ओके, ये थीटा की वैल्यू निकल गई एंड ये जो है ओपी, इसकी वैल्यू क्या है, आर। ओके, अभी एंड मॉड जेड निकालते हैं, इट इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आई वाई। ओके, दिस इज इक्वल टू, अभी हमको पता है कि मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सिंपली आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये जो थीटा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या तो फिर इसको, इसका दूसरा नाम ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, या फेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये थीटा क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा है एंड थीटा की वैल्यू होती है टैन इनवर्स वाई बाय एक्स एंड जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई। दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अभी देखते हैं कि अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते कैसे हैं। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1, 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी ऑल नो डैट। एंड अगर इसको 1 को हमको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आई 0। ओके, अभी थीटा निकालना है यहाँ पे,
सो थीटा की वैल्यू क्या रहती है, टेन वर्स वाई बाय एक्स। ओके यहाँ पे देखो हमने वन को एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा पहले। ओके सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, अगर हम ये नंबर को एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे सो एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, वन मिलेंगी एंड वाई की वैल्यू मिलेंगी ज़ीरो। ओके सो वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज हियर, ज़ीरो अपॉन वन विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ज़ीरो, एंड टेन इनवर्स ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके सो थीटा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे ज़ीरो। सो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वन। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी अनादर एग्जाम्पल। सो ये दूसरा एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे। सो z इज इक्वल टू i विच इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस i। ओके सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है एंड y की वैल्यू जो कि इमेजिनरी पार्ट रहता है, जो कि i के साथ जुड़ा रहता है नंबर, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट एंड हम उसको डिनोट करते हैं y से। सो यहाँ पे i से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, प्लस वन। सो y की वैल्यू हो गई वन। ओके अभी थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स y बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू एंड x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, सो वन बाय ज़ीरो। लेकिन वन बाय ज़ीरो तो एक मिनट, हाँ सो वन बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सो कौन सी वैल्यू रहती है या कौन सा एंगल रहता है जिससे हम टेन डेट एंगल इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिलता है, इट इज़ पाई बाय टू। टेन पाई बाय टू इज इन्फिनिटी, सो टेन वर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा। ओके सो अभी ये है थर्ड एग्जांपल। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑलरेडी x प्लस आई वाई के फॉर्म में, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस वन है एंड y की वैल्यू है रूट थ्री। ओके सो थीटा की वैल्यू वैसे क्या होती है, टेन इनवर्स y बाय एक्स रहती है। ओके सो टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री अपॉन माइनस वन विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। सो अभी माइनस में जब भी आए तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पहले देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके एंड ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड ये होता है थर्ड एंड ये होता है फोर्थ। ओके सो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज आती है एक्स एंड वाई की, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाली आती है, मींस एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। ओके एंड यहाँ पे कैसी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव, मींस एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव रहती है एंड वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव। एंड यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, बोथ आर नेगेटिव, मींस एक्स की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं एंड वाई की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं एंड वाई की नेगेटिव होती हैं। ओके सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके एंड अनादर वन इज़ ये देखो, सो देखो ये वाला जो है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अभी यहाँ पे अल्फ़ा कैसे निकालते हैं वो दिखाती हूँ। अभी देखो जैसे थीटा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और अगर हमने ये टेन इनवर्स अगर इस साइड लेके गए तो टेन हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो वैसे ही थीटा की जगह पे मैंने अल्फ़ा यूज़ किया है एंड मॉड दे दिया है, मॉड वाई बाय एक्स। ओके सो अभी पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा यहाँ से। सो यहाँ पे वाई बाय एक्स, वाई की जगह पे रूट थ्री उसकी वैल्यू है वाई की एंड एक्स की वैल्यू है माइनस वन विच इज़ इक्वल टू मॉड माइनस रूट थ्री। सो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट थ्री, माइनस साइन विल गेट
कैंसिल बिकॉज ऑफ मॉड. ओके, मॉड में माइनस साइन एलिमिनेट हो जाती है. ओके, सो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट थ्री मिलेगा. एंड सो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, सो टेन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन वर्स रूट थ्री. सो अभी टेन वर्स रूट थ्री मीन्स रूट थ्री किस वैल्यू ऑफ टेन पे मिलता है? पाई बाय थ्री, हमको पता है टेन सिक्सटी कितना होता है, रूट थ्री होता है. सो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे पाई बाय थ्री. अभी नेक्स्ट स्टेप है, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो एक्स और वाई जो कि यहाँ पे है वैल्यूज़. सो यहाँ पे है माइनस वन एंड यहाँ पे है रूट थ्री. सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू है एंड यहाँ पे पॉजिटिव. सो कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ लाए होंगी वो देखना पड़ेगा. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाए होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, सो अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये है. सो ये अप्लाई करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, पाई माइनस अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई पाई बाय थ्री. ओके, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी ना, पाई बाय थ्री. ओके, सो जस्ट इसको सॉल्व करना है, थ्री पाई माइनस पाई इज टू पाई, टू पाई बाय थ्री. सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल गई है टू पाई बाय थ्री. ओके, सो ये जो दो क्वाड्रेंट्स हैं आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज़ आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ है एक्स ऑन वाई की वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से फॉर्मूला चूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो आपको मिल जाएंगी थीटा की वैल्यू. ओके, सो अभी ये प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे अप्लाई की, सो मैं बताती हूँ कि वो प्रोसीजर आपको कब अप्लाई करनी है. ओके, सो देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगी देन आप डायरेक्ट लिख सकते हो टेन वर्स वाई बैक्स, वो भी पॉजिटिव आएगा. ओके, सो अगर वो वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए होती है देन सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था. ओके, एंड अभी अगर वैल्यूज़ ऐसे आई नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे वैल्यूज़ आई अगर एक्स एंड वाई की, सो आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, और एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद, ये टेन वर्स माइनस रूट थ्री के बाद डायरेक्ट आप टू पाई बाय थ्री लिख सकते हो. ये जो सब प्रोसीजर है आप रफ में कर सकते हो. एंड इसके बाद ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाली स्टेप आएंगी, थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री. ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये एंड ये सब. ओके, सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.